नमस्कार, मैं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। गुजरात के सूरत शहर में महिला बैंक कर्मी के साथ बैंक परिसर में मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला पर हाथ उठाने वाला आरोपी सूरत सिटी पुलिस का सिपाही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने जिले के कलेक्टर को मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार की है। सूरत के केनरा बैंक के सरोली ब्रांच में पासबुक प्रिंटिंग को लेकर पुलिसकर्मी का कथित तौर पर महिला बैंक कर्मी से विवाद हो गया। इसके बाद पुलिसकर्मी काउंटर का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और महिला कर्मी को पहले तो थप्पड़ मारा और फिर उसे गिरा दिया। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम घनश्याम भाई बताया जा रहा है। मंगलवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो गया और #ShameSuratPolice ट्रेंड करने लगा। सीतारमन के ट्वीट पर कहा कि उन्होंने महिला बैंक कर्मी के साथ बदसलूकी मामले में सूरत के कलेक्टर डॉक्टर धवल पटेल से बात की है। उन्होंने कहा कि अब फिलहाल छुट्टी पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ समय से कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ मंगलवार देर रात FIR दर्ज करा दी गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।